हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुनील प्लस रीना ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हम लोग भी ठीक ठाक ही हैं। इधर रिशु देखिए, अभी नाश्ता किया है, नाश्ता करके हाथ धो रहा है। और अभी सानू जो है, शाम का वक्त मैं वो वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि माँ पापा है नहीं तो बाबू मुझे तंग कर देता है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। तो इसी के लिए अभी शाम का वक्त है। और हस्बैंड जी भी आज ड्यूटी से आ गए हैं अभी जल्दी। माँ पापा लोग तो चले गए हैं सुबह में ही, तो ड्यूटी से आ गए हैं। ड्यूटी से आकर देखिए अभी बाबू को पकड़े हुए हैं। देखिए, हाय बोल दीजिए। हेलो सानू, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो देखिए अभी बाबू को थोड़ा खिला रहे हैं और अभी हम सानू के लिए फटाक से रोटी वगैरह बना रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त है। अभी वो दोपहर में बहुत जल्दी उठ गया था, दोपहर में सोया था, तो रोज तो पता नहीं क्या था, माँ पापा लोग थे तो 5 बजे उठता था। और आज क्या हुआ ना कि 3:30 बजे ही उठ गया था, सोया भी जल्दी था। मतलब रोज 2 बजे सोता था, आज सो गया था 12 बजे, जिसके कारण 3:30 बजे उठ गया। तो उठने के बाद अब तो तब से सोया है ही नहीं। अब किन किन कर रहा है, जिसे के लिए मैं अभी जल्दी जल्दी उसी के लिए सबसे पहले मैं रोटी बना रही हूँ। देखिए रोटी बना रही हूँ और इधर दूध रख के दूध गर्म करूँगी, दूध रोटी उसको खिला देती हूँ। और अभी ये ड्यूटी से आया है तो इनको भी कुछ नाश्ता नहीं दी हूँ। अभी वही चना था, काला चना का थोड़ा भवरा बनाऊँगी। आप लोग को पता ही होगा, जो बिहार से होंगे उनको पता होगा कि भवरा क्या होती है। तो दोपहर में आज बनाई थी खाना पे सबके लिए, मतलब सबके लिए। मैं भी रात का खाना का भी तैयारी कर रही हूँ। जो सीटी बज रहा है ये है तड़का का, मैं तड़का लगाई हूँ, तड़का बना रही हूँ आज रात के खाने में। तड़का रोटी भुजिया, कोई तो है नहीं, हम लोग पूरा घर में अकेले ही हैं। पूरा घर हम लोग का सन्नाटा में लग रहा है, मम्मी पापा चले गए। हाँ, घर पूरा सुना सुना लग रहा है एकदम से, क्योंकि घर में लोग रहते हैं तो घर भरा भरा लगता है। और अभी घर में कोई है नहीं, हम लोग 2 जन ही हैं और प्लस इसको लेने वाला भी कोई नहीं रहा है, लेने वाला भी कोई नहीं है। और ये भी अंदर ही अंदर अपने दादा दादी को खोज रहा है। तो फ्रेंड देखिए, यही है भवरा जो मैं अभी इनके लिए बनाई हूँ, काले चने का बनाई हूँ। तुमको भी खाना है? ये नहीं खाएगा, पिता इसमें मुंह में अटक जाएगा। हाँ, खाने के लिए कैसे कर रहा है? तो इनके लिए यही है, जो बिहार से उनको पता होगा कि भवरा क्या होता है। काले चने का चावल में डाल के बनाते हैं। तो अभी बनाए हैं अभी इनके लिए एक, और एक रिशु के लिए बनाया है, खा लेगा अभी। उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी, उससे पहले सानू को खिला पिला कर सुलाना है क्योंकि बहुत तंग कर रहा है। हाँ, जल्दी उठ गया ना तो अभी जल्दी सो जाएगा, मतलब 8 बजे के अंदर ही सो जाएगा। इसीलिए उसके लिए पहले मैं रोटी देके तोड़ कर भी रखी हूँ। अभी ये बन जाता है तो दूध गर्म करूंगी। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो अभी बाबू को सोने का टाइम तो हुआ नहीं है, अभी कितना बज रहा है? 7 बजे, लेकिन सोएगा, इसलिए इसको खाना मम्मी पहले खिला दे रही है। देखिए, और इसी भी इधर खा रहा है, इस बाबू के लिए भी खाना रेडी है, खा रहा है। और हम लोग का खाना तो साउंड से पता ही चल गया, वो भी बन रहा है। देखिए बदमाशी इसका, देखिए मोबाइल मतलब चालू किए कि बस इसको दिखना चाहिए चेहरा अपना कैमरा में, बहुत खुश होता है। हाँ, जब कैमरा ऑन करते बहुत खुश होता है। देखो खड़ा हो गया सानू। तो घर में देख रहे हो आप लोग, माँ पापा के जाने के बाद कितना सन्नाटा लग रहा है। और देखिए रीना जी बाबू को सुला रहे हैं, ये काम इनका नहीं था, ये काम दादा का था, दादी का। वो दादा दादी के हाथ से डेली सोता था, शाम में भी और सुबह में भी। जब वो 5 बजे उठ जाता था, उसके बाद 8 बजे करीब सोता था क्या, तो उस टाइम भी दादा इनको ये बाबू को सुलाते थे। दादी कम, लेकिन दादा के पास तो इसका पता नहीं क्या हो गया था, मतलब दादा गोदी में जाते ही थोड़ा सा खेलता था, अब बाबू बाबू करते थे तो बस कंधे में सो जाता था। गोदी में जाते थे, खेलता था, सो जाता था। हम लोग गोदी में नहीं सोता था, लेकिन दादा का गोदी में जरूर सोता था। अब ये कल से मिस कर रहा है एक चीज, ये चाय पीना दादा के साथ। हाँ। और चावल खाना, जब चाय इनको अभी दिए थे ना तो पूरा कप एकदम निहार रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था। पहले क्या था, जब दादा पीते थे ना तो पीता नहीं था, मतलब से चटाते थे, उंगली से थोड़ा जीप पे चटा, पूरा चटता था, पूरा मजा करता, इसलिए दादा के बहुत प्यारा था ये।
सबसे जाने के बाद दादा को मिस कर रहा है, तो हम लोग ज्यादा बाबू रो भी रहा है। अचानक से तो बा 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 करता है। अचानक से जाने के बाद उनको बहुत इसका याद आ रहा है, तो हम लोग भी थोड़ा सा बाबू के चलते थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पापा रहने से थोड़ा हमारा भी हेल्प हो जाता था, बाबू का भी हेल्प, घर का सारा काम हम भी फ्री से इधर उधर काम कर पाते थे। अभी नहीं होने से हम लोग भी दिक्कत में है, लेकिन क्या करें, उधर भी देखना है इधर भी देखना है, वहाँ भी जरूर था, इसलिए मजबूरी में गए वो भी, उनका भी जाने का मन नहीं था, लेकिन क्या करें, कोई भी अपने बच्चा को छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाता है, तो पूजा करना है, लेकिन नौवीं पूजा करना था, इसलिए उनको भी जाना पड़ा। का बर्थडे के लिए 4-5 दिन ही है, चाहते तो रह सकते थे, लेकिन पूजा के लिए सिर्फ नौवीं पूजा है, नौवीं पूजा है, जरूरी है, अपना घर का पूजा पाठ है तो जाना जरूरी था, वरना रिशु का बर्थडे मतलब लगता है 2-3 साल से वो रह ही नहीं रहे हैं रिशु का बर्थडे में। हाँ, बर्थडे में नहीं रहे। और इस बार हम लोग सोचे थे कि सबको ही रहेंगे और बहुत अच्छे से मनेगा, अच्छा लगेगा। क्या बोलते हैं, 2022 में थे, 22 बर्थडे में थे दादा दादी सभी लोग, हम लोग सब एक साथ मनाए थे, गाँव पे ही मनाए थे, लेकिन इस बार रिशु का बर्थडे हम लोग सिक्किम में ही मनाएंगे, क्योंकि ऐसा यहाँ कंडीशन है तो जा नहीं पाएंगे हम लोग, गाड़ी वगैरह बहुत मुश्किल से जाना हो रहा है, जो पापा लोग भी बहुत दिक्कत से गए हैं, तो हम लोग इसलिए हम लोग का टिकट था, लेकिन फिर भी हम लोग कैंसिल कर दिए, नहीं जाएंगे, क्योंकि दो दो बच्चा लेके जाना सफर में, फिर आना दिक्कत। रिशु का स्कूल नहीं रहता, नहीं खुलता, और रिशु का भी एक तरह से स्कूल खुल रहा है, स्कूल खुलेगा ही, इसी के लिए हमको रहना पड़ा, नहीं तो हम चले जाते, वहाँ जाते तो बर्थडे तो मतलब धमाकेदार मनता है, ऐसे यहाँ भी मनाएंगे, लेकिन बहुत मतलब ना अपना आदमी रहता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हेल्प भी हो जाता है, प्लस मतलब अच्छा लगता है, बाहर के लोग तो चलो कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है, ये बच्चे लोग अच्छा लगता है, लेकिन घर के परिवार एक साथ रहने से बर्थडे में ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, छोटा बाबू अभी सो गया और बड़ा बाबू तो खेलने में सिर्फ मास्टर है, तो अभी घर में हम लोग पूरा मिस कर रहे हैं, पापा लोग को याद आ रहा है, पर क्या कर, देखिए इधर भी रूम खाली, इधर भी सब खाली है, सब खाली, सब सन्नाटा, बाबू आगे सो रहा है, अभी सब सन्नाटा पड़ा हुआ है, ये हल्ला मस्ती बेटा, बाबू सो रहा है, जा रहे हैं रोटी बना, अब जाते हैं, रीना जी खाना बनाएंगे, क्योंकि बाबू सो गए, तो फटाफट खाना बना लेंगे और फिर खाएंगे, क्योंकि बाबू फिर उठ जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए फ्रेंड अभी क्या कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, क्योंकि दिन में हम मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बाबू के कारण, और खाना पीना बन गया, तो अभी बनाने के बाद अभी खाना पीना पहले बना लिए जल्दी से, इसी के लिए कि बाबू सोया हुआ है और अभी खाए नहीं है, क्योंकि अभी आयरन कर रहे हैं, आयरन करने के बाद अब खाना खाएँगे हम लोग, तो एक दो जो है अभी ड्यूटी का कपड़ा है वो अभी आयरन कर रहे हैं। हाँ, अब मैंने अभी ठंडा आ गया ना, गर्मी था तो टी शर्ट वगैरह पहन के चले जा रहे थे, लेकिन अभी ठंडा आ गया है, इसी के लिए थोड़ा आयरन करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है बाबू के कारण, बाबू मुझे छोड़ता ही नहीं है, पहले पापा थे तो टाइम मिलता भी था तो नहीं कर पाते थे, जल्दी जल्दी करिए फिर खाना खाएँगे, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे, एक सेट है, दो सेट कपड़ा भी करेंगे, उसको खाना वाना खाएंगे और उसको खाना भी करेंगे, तो अभी एक और जींस भी है, लेकिन जींस क्या है कि जींस बिना आयरन के पहनते हैं, विदाउट आयरन के, जींस टी शर्ट को आयरन की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है, सिर्फ फुल पैंट और शर्ट को हम आयरन करते हैं। तो देखिए कितना इस एकदम आवाज़ कितना धीरे हम लोग का आ रहा है, क्योंकि बाबू सोया है ना, इसी के लिए हम लोग तो धीरे धीरे बोल रहे हैं, क्योंकि उठ जाएगा तो इसी के लिए धीरे बोलना पड़ता है, बच्चा का डर उठने का डर हम लोग का, हाँ ये तो है, डिपेंड रहने वाला इंसान नहीं, पहले कर देते थे लेकिन अब नहीं हो पाता है, रिशु छोटा था उस टाइम तो कर, जब से मतलब सानू हुआ है ना तब से हम कर ही नहीं पाते हैं आयरन, टाइम नहीं मिल पाता है, कभी काम रहता है, कभी बाबू तंग करता है, तो चलिए रिशु पढ़ाई कर रहा है और इधर सूत भी रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो फ्रेंड अभी हम लोग खाना पीना बना लिए थे, बना के अभी देखिए रिशु भी उधर पढ़ाई कर रहा है, आप लोग दिखाते हैं, देखिए रिशु पढ़ाई कर रहा है उधर, हाँ बोलो, ई नहीं एन नहीं
T20 का स्पेलिंग क्या है? T W T W N E N T Y, इसलिए बोलते हैं डेली लिखो। तो अभी पढ़ाई कर रहा है और अभी हस्बैंड जी भी अभी आयरन कर रहे थे, तो थोड़ा कपड़ा आयरन करने के बाद आप लोग देखे हैं आयरन कर रहे थे, एक से टाइम मिलता नहीं है, तो आज थोड़ा टाइम मिला और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बाबू के कारण, इसी के लिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और आज ड्यूटी से जल्दी आ गए थे इसी के लिए आयरन कर लिए, ज़्यादा नहीं, एक दो कपड़ा ही आयरन किए हैं, तो ढेर सारा कपड़ा है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, देखते हैं अगर टाइम मिला तो कल मैं थोड़ा कर लेती हूँ। बैठो। तभी हम लोग का सब हो गया काम खत्म और सानू को तो देखा ही, आप लोग को सो लिया है, सो गया है। और ये देखिए भेज तड़का है, हाँ, बिना लहसुन प्याज का तड़का, बिना लहसुन प्याज का तड़का, और ये बिना लहसुन प्याज के आलू का भुंजिया है, और इसके लिए पराठा बना है, और इनके लिए रोटी, तो प्लेन रोटी, प्लेन रोटी, ज़्यादातर प्लेन रोटी पसंद करते हैं खाना, तो अभी यही खाना खाने के लिए हम लेके बैठे हैं। और अभी खाना वाना खाने के बाद अब आराम करेंगे। ऋषि बैठो बैठो बैठो। तो ऋषि का ये फेवरेट है खाना, तड़का रोटी, तड़का मतलब तड़का और पराठा है ना, तड़का मेरा भी फेवरेट है और इनका भी फेवरेट है। और आलू का भुजिया था तो इसीलिए मैं सोची कि और क्या बनाऊँ, तड़का ही बना देती हूँ, हम लोग दो जन ही तो हैं, हरा सब्जी तो अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है, एक दो सब्जी है तो बनाऊँगी अभी नहीं, मतलब भुजिया वगैरह था तो इसलिए सोची तड़का बना देती हूँ। तो अभी अब हम लोग खाना पीना खाते हैं। हाँ से क्या लिया था उसको चुंबक को, अभी खाना खाने बैठे हो ना, क्यों हाँ रख। तो घर देखिए पूरा खाली खाली लग रहा है, क्या करें, देखिए कोई नहीं है, ऐसे पापा माँ लोग सब आगे रूम में रहते थे, कोई भी नहीं है, पूरा घर सन्नाटा पड़ा हुआ है। और अभी हम लोग अब खाना पीना खा के अब आराम करेंगे, तो आप लोग को मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। और बाय बाय, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तो फिलहाल 9 दिन भेज खाना ही बनेगा, तो चलिए दशहरा की वजह से भी बाद भी बनेगा, हाँ देखते हैं, एक दिन किसी दिन थोड़ा नवरात्रि का स्पेशल खाना बनाएंगे, तो आप लोग को जरूर वीडियो में देखने को मिल जाएगा, बिना लहसुन प्याज का भेज। ऋषि का बहुत जल्दी बर्थडे आने वाला है, मतलब समझिए अब 2-4 दिन के बाद आने ही वाला है, तो ऋषि भी अपने दादा दादी को बहुत मिस करेगा, है ना। तो चलिए, वो कब से बाय बाय कर रहा है कि मम्मी ब्लॉग एंड कर रही है। तो चलिए आज का ब्लॉग खाने के लिए, तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके नाम भी बताइए, हाँ कमेंट करके भी बताइए कि हम लोग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, पसंद आता है या नहीं आता, जो भी है जैसा भी है प्लीज कमेंट करके, हाँ कमेंट करके बताइए। तो चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।